फटेक। देखिए खबरें फटाफट डाउनलोड कीजिए तक क्या। यूके ट्रिपल एससी भर्ती घोटाले की जांच पिछले करीब 3 हफ्तों से एसटीएफ कर रही है और अब तक 22 गिरफ्तारियां एसटीएफ कर भी चुकी है, जिसमें कोई नेता है तो कोई शिक्षक है तो कोई एनजीओ का संचालक है। अब सवाल यहां पर उठ रहा था कि जब से आयोग बना है तब से लेकर अब तक ना जाने कितने ही ऐसे भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो चुके होंगे, तो क्या उन भर्तियों को रद्द किया जाएगा? और इस सबको लेकर कल रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आता है। उनका ट्वीट हमने देखा, जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान है उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसो ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करती हैं जिसमें वो लिखती हैं कि मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें। इस वीडियो में एक अभ्यर्थी आधी रात को बहुत रो रो कर एक वीडियो बनाकर डालता है जिसमें वो कहता है, सरकार ने वीडियो का पेपर रद्द कर दिया, बहुत मुश्किल से नंबर आए थे, बहुत दुख हो रहा है, रात के 2 बजे है, नींद नहीं आ रही है, बहुत उम्मीद थी हो जाएगा, सरकार ने रद्द कर दिया पेपर, भाई एक बार तो सोच लेते हमारे बारे में, घर में मम्मी अकेली है, पापा जी है नहीं मेरे, मैं फिर नहीं दे सकता पेपर, भाई एक बार जांच पूरी होने देते, उसके बाद कर लेते डिसीजन, उत्तराखंड में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सब कैंसिल कराना चाहते थे, एक बार गरीब आदमी के बारे में सोच लेते जो इतने साल से मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल से नंबर आया, 5-6 लाख का कर्ज हो गया हमारे ऊपर, 2 साल से मेहनत की है सब पर पानी फेर गया, हमें जीने की इच्छा नहीं है भाई। इस वीडियो के बाद अब सवाल ये उठता है कि जो ऐसे मेहनत से परीक्षा पास करके चयनित हुए हैं अब उनको भी क्या दोबारा से पेपर देने होंगे? अगर ऐसा होता है तो गरीब परिवार के जो अभ्यर्थी सालों से मेहनत कर और लाखों रुपए खर्च कर बहुत ही मुश्किल से जो चयनित हुए उन सबका क्या होगा? दोबारा से एग्जाम देने के बाद अगर उनका चयन अगर नहीं होता है तो क्या होगा? वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा है अगले ट्वीट में कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए ये बहुत जरूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारी बेटियों के साथ बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अपूर्व धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएँ हो सकती हैं उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी दर्ज। सीएम धामी का यह फैसला कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है कि दागी व्यक्तियों की नियुक्ति को निरस्त किया जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी दागी नहीं थे उनका क्या होगा? उनको क्या दोबारा जिस तरह से पेपर देना होगा तो उन पर क्या बीतेगी? उनके सालों की जो मेहनत है, जो पैसे खर्च हुए उन सबका क्या होगा? और क्या आपको लगता है कि ये सरकार ने फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले लिया है और जिस तरह से अभ्यर्थी अपने वीडियो में कह रहा है कि थोड़ा जाँच हो जाने दे तो उसके बाद कोई डिसीजन पर आते, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कि आपको भी ऐसा लगता है कि जाँच पूरी होने के बाद सरकार को इसमें कोई डिसीजन लेना चाहिए था? कि आपको लगता है कि जो जिन भर्तियों में घोटाले हुए अगर वो एग्जाम अब रद्द हो जाएंगे तो अब क्या होगा? जो मेहनत से पास हुए हैं वो दोबारा से अगर पेपर देंगे तो क्या वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? इसको लेकर क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है? अपनी राय दीजिए ताकि आपके कॉमेंट जो है सरकार तक पहुंचे और इसको लेकर एक सही निर्णय एक बार फिर से सरकार यहां पर ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।